हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है जो कि है रेलिवेंट आपके प्रीलिम्स के लिए, रेलिवेंट आपके रहेगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, सबसे पहले जानेंगे पीआरएस क्या है। डिस्कशन मंथली पॉलिसी रिव्यू स्टार्ट करने से पहले जनवरी से लेके दिसंबर तक हम मंथली वाइज इसको आपके लिए डिस्कशन लेकर आएंगे। सबसे पहले जानेंगे पीआरएस है क्या। देखिए, आप सबको पार्लियामेंट के बारे में पता है, एक हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है जहाँ कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, पॉलिसी इश्यू को डिस्कस किया जाता है। तो पीआरएस वही एक काम करता है, एक तरह से भारत का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, कानून बनते हैं, बिल आता है, फिर एक्ट बनता है, तो उस पूरी फंक्शनिंग को ट्रैक करने का काम करता है। जितने भी पॉलिसीज में और लेजिस्लेटिव इश्यूज होते हैं उसमें एक रिसर्च सपोर्ट देता है जितने भी एमपीज होते हैं, ताकि वो फर्दर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें, फर्दर इस चीज़ में कोई नए एडिशनल फीचर एड्स कर सकें। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, पीआरएस एक तरह से रिसर्च इनिशिएटिव की तरह काम करता है, जो कि एक तरह से सपोर्ट भी करता है, हम कह सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या एमपीज को कह सकते हैं। पीआरएस बनाया गया था 2005 में, ठीक है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, और लेजिस्लेटिव और पॉलिसी इश्यू के बारे में जितनी भी संसद की जितनी भी फंक्शनिंग होती है, जितने भी कार्य होते हैं, उस पर क्या करता है, ट्रैक करता है और सपोर्ट देता है। देखिए, पीआरएस इंडिया रेलिवेंट क्यों है, आप सबको समझ में आ चुका है पीआरएस इंडिया है क्या, पार्लियामेंट के फंक्शन को ये ट्रैक कर रहा है। उसके बाद क्यों रेलिवेंट है, हम इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, पीआरएस इंडिया का डिस्कशन क्यों हो रहा है हमारी इस सीरीज में। सबसे पहले देखिए, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 की बात करूँ, सेट ए का क्वेश्चन है, आप मैच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन वन है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीआरएस इंडिया के आर्टिकल से। देखिए, ये आपको लिंक भी दिया गया है, ये आपको वैसे जो पीडीएफ है ये पेड ग्रुप के लिए है, ये लिंक आप सर्च भी कर सकते हैं। ये पीआरएस इंडिया का ऑफिशियल .org, देखिए ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी पीआरएस इंडिया की ऑफिशियल लिंक है, आप सर्च कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन, तो आपके लिए ये छोटे से हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीआरएस इंडिया की जो न्यूज़ पे है वो बेस्ड रहते हैं, ठीक है। आगे, ये तो था एक यूपीएससी का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का, मॉक क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखिए, डिस्कस द की इशू इन्वॉल्व इन द सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 एंड हाउ इट विल ऑनलाइन ओनली वाइडन द ओल्ड फॉल्ट लाइन्स इन द असम। देखिए, ये पीआरएस इंडिया का है, तो इससे बहुत सारे, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अभी हम आपको ऑफिशियल इसकी वेबसाइट में भी लेके चलेंगे। तो कहने का मतलब, रेलिवेंट तो आपको इसका रेलिवेंस जान चुके होंगे कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी करेंट अफेयर की आप वेबसाइट देखते हैं यहीं से उनके जो सोर्स लिए जाते हैं। तो पूरा पार्लियामेंट का काम अगर आपको किसी वेबसाइट में ढूंढना है तो आप इस पीआरएस इंडिया की वेबसाइट में ढूंढ सकते हैं। आगे देखिए, पीआरएस वेबसाइट में आप लक्ष्मीकांत का यूनिट 23 पढ़ सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, एडिशनल, देखिए हमारे, हम कह सकते हैं जो एमपीज होते हैं उनके पास उतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो उसके लिए क्या करती है, पार्लियामेंट एक कमेटी बिठाती है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है। तो वो कमेटी किस तरह से कानून बनाती है, किस तरह से रिसर्च करती है, ये सब पीआरएस इंडिया में हमें देखने को मिल जाता है। फर्दर आप इंफॉर्मेशन के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी लक्ष्मीकांत यूनिट 23 पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको लेके जाते हैं सीधे जो पीआरएस इंडिया की वेबसाइट है उस पर। ओके, देखिए जानेंगे सबसे पहले, ये है हमारी वेबसाइट पीआरएस इंडिया की, आपको देखने को मिलता है ये पूरी वेबसाइट है। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या, देखिए एमपी और एमएलए, देखिए इसमें सबसे पहला आपको जो कॉलम दिख रहा है पार्लियामेंट और स्टेट्स का, इसमें अपने एमपीज को, जो भी अपने जो स्टेट के एमपी को आप देख सकते हैं, स्टेट के जो एमएलए हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो कॉलम है एमपी और एमएलए का है, ठीक है, जितनी भी डाटा है आप सबको मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखने को मिलता है पार्लियामेंट का सेशन, पार्लियामेंट्री कमेटी, जो अभी हमने लक्ष्मीकांत की यूनिट 23 में देखी। देखिए बहुत सारी एग्रीकल्चर के बेसिस पे है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, कोल, स्टील, कॉमर्स, ये सब देखने को मिलती है। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल कमेटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी रहती हैं। देखिए इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये जितनी भी कमेटी है, क्या क्या जो एस्टिमेट लगाना है, किस तरह से बजट एलोकेट होता है, ये सब, किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ, किस तरह से एलोकेट होना चाहिए, ये सब आपको पीआरएस इंडिया में मिल जाएगा। ओके,
अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है बिल एंड एक्ट, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के सामने। सबसे पहले बिल्स पार्लियामेंट और एक्ट पार्लियामेंट के। अब देखिए बिल और पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या होता है, बिल पेश होता है किसी भी संसद में, जब उसको लोकसभा और राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट की उसे कंसेंट मिल जाती है तो वो बिल क्या बन जाता है, लॉ या कह सकते हैं एक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट में कौन कौन से बिल देखने को मिलते हैं, अभी कौन कौन से चल रहे हैं जिन पे वर्क चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले पार्लियामेंट के बिल देखिए, अभी के बेसिस पे द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2009 अभी पेंडिंग चल रहा है ये। अब इसके आप अभी प्रेजेंट स्टेटस भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल देखिए आपको बता भी रहा है इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था, राज्यसभा में, ठीक है, जनवरी 9 2019 को। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखने को मिलता है तो ये आप समझ चुके होंगे पार्लियामेंट के बिल, इसमें आप सबको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से बिल पास हो रहे हैं, लोकसभा में पास हो रहे हैं या राज्यसभा में। उसके बाद अभी के देखिए 2019 के ही अभी जनवरी चल रहा, तो जितने भी बिल हैं अभी प्रेजेंट स्टेटस आपको पता चल गया है, यूनियन ट्रेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा इस पास्ड बिल में। अभी ये पास्ड बिल क्या है, करंट की चीज है। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019 ये पूरा पास हो चुका है। देखिए कहने का मतलब ये कौन सा था, अभी हमारे डिस्कस किया गया था कि अभी हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल में आपको ये वीडियो मिल भी जाएगी कि 124th अमेंडमेंट बिल के बारे में, ठीक है। देखिए ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, जनवरी 8 लोकसभा में, और पास्ड हो गया था लोकसभा में जनवरी 8 को ही, फिर राज्यसभा में भी पास हो गया जनवरी 9 2019 में। एक तरह से ये बिल बन चुका है, पूरा पास हो चुका है। अब ये बिल क्या प्रोवाइड करता है, करंट का इनिशिएटिव है। देखिए अभी हमारा अगर रिजर्वेशन की आरक्षण की मैं बात करूं तो वो ओबीसी एससी एसटी को दिया जाता था, 50% तक उसकी लिमिटेशन थी। बट अभी नया बिल आया जो लोकसभा में पास भी हो चुका है, आपको 124th अमेंडमेंट बिल है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जनरल कैटेगरी के या अपर कास्ट के, जिनकी भी जो इनकम है एनुअली अगर मैं बात करूं 8 लाख से कम है, कुछ लैंड के बेसिस में भी 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा गाइडलाइंस हमें देखने को मिलते हैं, वो पास हो चुका है बिल। तो आप समझ सकते हैं पीआरएस इंडिया हर आपको जानकारी देता है हर एक बिल की, ठीक है। फिर आगे ये बजट के बारे में जानकारी देता है, पार्लियामेंट है, स्टेट है, प्राइमर्स है, फिर पॉलिसी, हम अभी आपको क्या बताने जा रहे हैं, मंथली पॉलिसी रिव्यू। तो आप सबको पीआरएस इंडिया की पूरी जानकारी मिल चुकी होगी क्यों हम इसको डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ देखिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अब हम मैं लास्ट आपको बताने जा रहा हूँ एक्ट्स पार्लियामेंट का एक्ट है ये क्या है। अब इसमें क्या है, जो भी बिल एक्ट बन जाते हैं उन सब की आपको डेफिनेशन मिलती है, आपको पीडीएफ मिलती है। देखिए जितने भी करंट अफेयर हैं आप सबको यहाँ पर से मिल जाएंगे। तो मेंस के लिए आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम हो सकता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप इसको खोलिएगा, इसमें पूरा हर कुछ डिटेल है। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वेबसाइट, हर से ज़्यादा जो है प्रीलिम्स के लिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, पेमेंट एंड ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट, तो ये सब आप कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, तो आई होप आपको इतना सब डिस्कशन से पता चल गया होगा कि हम पीआरएस के बारे में इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, क्यों पीआरएस के बारे में इतना आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं मंथली पॉलिसी रिव्यू, पहला हम करते हैं। ओके, जैसा कि अभी हमने देखा पीआरएस की पूरी वेबसाइट को और क्यों इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और क्यों इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर हम पीआरएस इंडिया की वेबसाइट के बारे में बात करें। तो मंथली रिव्यू, जैसा हमने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि मंथली रिव्यू लेकर आएंगे, तो दिसंबर 2018 में मंथली रिव्यू पॉलिसी पार्ट वन है। देखिए हमारी हर मंथ के बेसिस पर दो पार्ट पर ये वीडियो सीरीज आने वाली है। तो पीआरएस इंडिया का मंथली दिसंबर 2018 है, पार्ट वन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी मेंस दे रहे हैं और जो भी प्रीलिम्स दे रहे हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे, हमारे जो पेड ग्रुप हैं, जो भी एस्पिरेंट है यूपीपीसीएस के लिए 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2018 के मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उड़ीसा के पेपर के लिए, बिहार के पेपर के लिए, तो जितने भी पीसीएस एग्जामिनेशन हैं, और ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये यूपीएससी जो पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर बनाई जा रही है पूरी,
तो आप यूपीएससी में तो ये पूरा उस लेवल तक बनाया जा रहा है, आप इस सबको ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट देखेंगे, ये आप लोअर पीसीएस जहां भी मेंस के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर सेम रहते हैं हर जगह। अब आपको क्या करना है, 7838692618 इस नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप में कीजिए या टेलीग्राम में, आप हमारे जो पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन और बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिल पाते, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च बार में टाइप करके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। ओके, तो दिसंबर का हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। पीआरएस जनरली बहुत सारे जगह फुल फॉर्म इसकी दी है, इवन इसके ऑफिशियल वेबसाइट में पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, जो अभी हमने पूरा डिस्कशन किया, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो भी इम्प्लीमेंट की जाएगी, उस पर एक तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो हमारे लॉ मेकर हैं, जैसे हमने कहा संसद हमारी एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, उनको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं पूरी पॉलिसी रिसर्च में। तो पीआरएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम अपने लेजिस्लेटिव रिसर्च की बारे में बात करें। तो ये क्या करेगी, देखिए पीआरएस लेजिस्लेटिव, ये आपका कुछ ओवरव्यू हम देना चाहेंगे स्टार्ट करने से पहले। दिसंबर 2018 का है ये, अभी जनवरी में ही रिलीज हुआ है, हाल में ही तो हमने स्टार्ट कर दिया। तो इसमें जैसे अभी विंटर सेशन 2018 ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस, विंटर सेशन हुआ तो वो चालू हो गया, उसके बारे में कौन कौन से बिल पास हुए ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, फाइव बिल्स पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा ने कौन से बिल पास किए। अब ये इंपॉर्टेंट जरूरी क्यों हो जाते हैं, देखिए जो भी बिल पास होता है तो जनरली अब जो भी आप सरकारी एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तो वो बिल उसके बारे में जो भी मेंशन किया होता है उस बिल में, कि बिल ऐसा नहीं होता है कि रैंडम टॉपिक में लाया गया, जो भी पब्लिक इंपोर्टेंस जिससे भी समाज का जो हमारे इंडिविजुअल हैं उनका वेलफेयर किया जा सके, उस बेसिस पे बिल लाया जाता है। और क्वेश्चन भी आप यकीन मानिए, इससे पहले हमने प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको दिया, मेंस का जो क्वेश्चन दिया, उससे बाहर से कहीं भी नहीं आता, क्योंकि वही पब्लिक इंपोर्टेंस रहती है। जितने भी बिल आते हैं पब्लिक इंपोर्टेंस, जो भी कंसर्न होते हैं हमारी सोसाइटी की, मुसीबतें होती हैं जो भी हमारे इंडिविजुअल फेस करते हैं, उस बेसिस पे बिल लाया जाता है। तो उस बेसिस पे जो है आगे की जो फ्यूचर में गवर्नमेंट, क्योंकि आप आने वाले आईएएस हो, आने वाले पीसीएस हो, आईपीएस हो, तो आपको एसडीएम हो, डीएम हो, तो उस बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस बिल के बारे में पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंस है, इसलिए वो हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपको फर्दर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद सेवन बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, कौन से इंट्रोड्यूस हुए, कौन से पास हुए, सब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे करंट अकाउंट डेफिशिएट, देखिए ये पूरी पीआरएस में बहुत देखने को मिलता है, सिर्फ एक ही पार्लियामेंट के बारे में नहीं, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, हेल्थ सेक्टर, हर चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं, करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे। आगे है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 का, कोस्टल रेगुलेशन जो हमारे कोस्टल रेगुलेशन है कि अगर वहाँ पर कोई हैबिटाट है, कोई इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा है, तो उस पर कौन कौन सी गाइडलाइन लाई गई हैं ये सब बताएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की, बहुत कोड ऑन वेजेस बिल है, फिर बहुत सारी सब्जेक्ट में बात की गई, और यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया हेल्थ सेक्टर में दो बिल, ठीक है, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए दो बिल को हमारी जो केंद्र की कैबिनेट है उसने अप्रूव किया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला डिस्कशन, देखिए जाने वाला कैसा है, देखिए इसमें हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जानने के लिए फर्स्ट पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हुई। सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की, करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ये आपको देखिए पीआरएस इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो ये आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हिस्ट्री बताती है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर चीज़ बारे में बताती है। तो उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक, फाइनेंस है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम टॉपिक ले लेते हैं पार्लियामेंट, संसद में हमारी क्या हुआ, ठीक है। तो संसद में सबसे पहला टॉपिक है संसद का, पार्लियामेंट का। ओके ठीक है, अब देखिए पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, तीन सेशन होते हैं। अब इन सेशन में क्या होता है, बहुत सारे डिबेट होते हैं, बिल पास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिल को रखा जाता है, कंसिडर किया जाता है, बहुत सारे बिल्स में अमेंडमेंट किए जाते हैं। अब देखिए सेशन में तीन टाइप के सेशन होते हैं, BMW आप इसे कह सकते हो, ठीक है, जो है बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। अब विंटर सेशन, बजट सेशन और मॉनसून सेशन, तीन टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, सेशन है। तो अभी विंटर सेशन की बात की गई, क्योंकि ये अभी 2018 की दिसंबर की बारे में बात कर रहा हूँ, तो
इस सेशन में पार्लियामेंट का, इसको विंटर सेशन कहा जाता है, ये शुरू होने वाला है 11 दिसंबर 2018 से और इसमें कम से कम 17 सिटिंग होंगी, मतलब 17 बार जो हैं वो लोग बैठेंगे और डिस्कस करेंगे बहुत सारे बिल्स में। अब इन सेशन में क्या किया गया, विंटर सेशन में क्या हुआ अभी के बात करते हैं। 23 बिल को क्या किया गया, लिस्ट किया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे बिल में कंसिडरेशन रखी गई, अमेंडमेंट की बात की गई कि इस बिल में ये चेंज होना चाहिए और बहुत सारे बिल्स को पास किया गया विंटर सेशन के, जो संसद का विंटर सेशन था। अब इसमें बहुत सारे बिल की बात की गई कि जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन, कि डीएनए टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना चाहिए, उसकी क्या एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसके लिए रेगुलेशन बिल 2018 लाया गया। साथ साथ में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2017। देखिए बहुत सारे अभी जो बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो उसमें बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर हम संवैधानिक तौर पर देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर देखें तो बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। तो ये सब बिल पास हुए तो अब हमें किस बिल के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे जो पेपर के बेसिस पे इम्पोर्टेंट रखेगा। तो सबसे पहले है, एक बिल पास हुआ उसमें से लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, देखिए कोई भी, अभी इससे पहले हम डिस्कस बता ही चुके हैं आपका, कोई भी बिल हमारा एक्ट या आप कह सकते हैं कानून तब बनेगा जब ये लोकसभा में प्लस राज्यसभा में और जो हमारा इंट्रिगल पार्ट है जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं उनके साइन होने चाहिए। तो एक बिल किस में बदलता है, एक्ट में बदलता है। तो एक बिल उसमें से पास किया गया राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में, तो उस बिल का नाम क्या है, ये बिल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे अगर हम प्रीलिम्स के बेसिस पे और मेंस के बेसिस पे देखें। तो इसका नाम है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ ऑटिज्म सेरिब्रल पैल्सी मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। नाम से लग गया होगा कि ऐसे पर्सन की बात की जा रही है इस बिल में जो कि ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है। ऑटिज्म का मतलब आगे हम डेफिनेशन देखते हैं, पर उससे पहले आप देखिए मेंटल रिटार्डेशन कहने का मतलब थोड़ा सा स्लीप में डिस्टर्बेंस आना और मल्टीपल डिसेबिलिटी होना। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बिल का जो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ऑटिज्म क्या होता है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये बिल क्यों लाया गया। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऑटिज्म का, क्योंकि जानना पड़ेगा ऑटिज्म क्या है। जैसा भी अभी हमने बता दिया, पार्लियामेंट संसद के सेशन में ऑटिज्म बिल पास हुआ। अब ऑटिज्म क्या है, इसको जनरल में हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है और इसे खासकर अगर जनरल टर्म में बोलें तो एक तरह से एक ऐसी कंडीशन होती है जहां कोई चाइल्ड सफ़र करता है, जहां उसको बहुत ज़्यादा सोशल स्किल्स नहीं होती हैं उसके पास। सोशल स्किल्स कहने का मतलब क्या होता है, बहुत बार जो चाइल्ड होता है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो अच्छी नहीं हो पाती है, वो अच्छे से बोल नहीं कर पाता है, उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, अपने जो उसके पास फीलिंग्स हैं, अपने जो जो चीज़ें हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता अच्छी तरह। उसके बाद देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी पलकें ऊपर नीचे करते हैं बार बार, आपने देखा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं देखूँ, बहुत बार बहुत सारे लोग क्या होता है बोल नहीं पाते अच्छे से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपने हैंड के एक्शन को रिपीट करते हैं बार बार, स्पीच में भी बार बार एक ही शब्द बार बार वो बोलते हैं। तो ये सब ऑटिज्म का एक तरह से हमारी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर आपको किसी को ऑटिज्म पहचानना है। अब जनरली ये आपने देख लिया कि एक बच्चा अगर इस चीज़ से सफ़र करता है तो वो किस वजह से होता है। पहला तो एक तो उसके पेरेंट्स से मिल सकता है कि उसके पेरेंट्स में है, उसके बच्चे में आ सकता है। दूसरा, ये ऑटिज्म हमारा कंडीशन किससे क्रिएट हो जाती है, कभी कभी वातावरण में बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, इवन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने के कारण भी, क्योंकि ड्यूरिंग द जब बर्थ होने के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऐसी ऑटिज्म तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है एक तरह से जेनेटिक जो कि अपने पेरेंट्स से मिल सकता है आपको, और वातावरण में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ तो तब भी ऑटिज्म आ सकता है। अब इसके कारण बहुत ज़्यादा जो मेडिकल इश्यूज हमें झेलने पड़ते हैं जिस भी बच्चा ये सफ़र करता है, जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस, उसको अच्छे से नींद नहीं आती, उसके बाद सीजर्स है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स आते हैं। तो इतने सारे मेडिकल इश्यूज़ आने के कारण आप मेन जनरली इतने ज़्यादा आपको मेंस में लिखने नहीं है कि आप सोचेंगे कि हाँ इतने बड़े बड़े वर्ड याद नहीं करने,
तो मेंस में आप सिर्फ ये भी लिखेंगे कि स्लीप डिस्टरबेरेंस की अच्छी तरह उसे नींद नहीं आती इसके कारण, तो ये भी अच्छा आंसर आपका होगा। आगे हम देखें इसके न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे, तो 59 चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन जो होता है ऑटिज में से सफ़र कर रहा है, तो हम इसके कंसर्न लेवल को देख सकते हैं कि बहुत सारा, अभी भारत की अगर मैं बात करूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूथ लेवल पे हैं, मतलब भारत की एक पॉपुलेशन है वो एजिंग नहीं हो रही है चाइना की तरह, अभी बहुत ज़्यादा यूथ हैं, ठीक है। तो यूथ होने का हमें एक तरह से कंसर्न देखने को मिलता है कि 59 में से एक बच्चा जो है सफ़र करता है ऑटिज्म से। अब जब भी कोई बच्चा होता है तो कभी कभी ऑटिज्म के कारण वो सेंसरी इशू भी उसको फील करने पड़ते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को या तो वो देख नहीं पाता या अगर वो टेस्ट नहीं कर पाता उसको पता नहीं चलता, तो ऑटिज्म के कारण ये भी होता है। अब देखिए आप इतना बड़ा इश्यू क्यों है, तो आप समझेंगे ये तो सिर्फ एक डिजीज़ है तो इसके लिए एक बिल क्यों लाया गया। देखिए आप समझेंगे कि एक कोई बच्चा है अगर वो ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है, 59 में से एक बच्चा ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है, कम से कम 18 मिलियन लोग ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं बच्चे की अगर बात करूँ, क्योंकि यही जो बच्चे हैं आने वाले हमारे फ्यूचर में जो नेशन की डेवलपमेंट में, नेशन के विकास में, नेशन की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो कितना ज़्यादा कंसर्न का मैटर हमारा ये है, तो इसके लिए ये पूरा बिल लाया गया। तो आप जैसे फिगर आपको देखने को मिल रहा होगा ये बच्चा ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है, देखिए आपको सोशल स्किल उतनी अच्छी तरह इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वो अच्छी तरह उतनी नॉर्मल पीपल के बेसिस पे समझ नहीं पाता और बहुत ज़्यादा उसको सेंसरी इश्यूज़ आ सकते हैं। सेंसरी इश्यूज़ कहने का मतलब क्या है कि कुछ फील ना होना, कुछ टेस्ट ना कर पाना कभी कभी, कुछ देख ना पाना, जो भी आपकी 5 सेंस होती हैं सुन ना पाना, ये ऑटिज्म के बेसिस पे आ सकता है, ठीक है। अब न्यूज़ क्या आती है फर्दर कि ये बिल पास कर दिया गया राज्यसभा में भी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कर लिया गया, ठीक है। अब ऑटिज्म हमने जान लिया कि ऑटिज्म क्या है, अब बिल के कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए ऑटिज्म से प्रोटेक्ट करने वाले जो भी बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेशनल ट्रस्ट बनाया गया था 1999 में। अब इस जो नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म सेरिब्रल पैल्सी मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी बिल 2018 की अगर मैं बात करूं, अभी जो 2018 का बिल आया है वो जो है अमेंड करता है, बदलाव करता है 1999 के बिल में। अब बहुत सारे ऐसे, देखिए क्यों किसी बिल में बदलाव लाने पड़ते हैं अगर मैं उसकी बात करूं, क्योंकि बहुत सारे प्रेजेंट सिनारियों में बहुत ज़्यादा कंडीशन चेंज हो जाती है, तो कंडीशन प्रेजेंट सिनारियों के बेसिस पे हमें बदलाव लाने पड़ते हैं। तो अभी का कौन सा बिल है 2018, और ये बिल पास भी हो चुका है। अब ये बिल में क्या है, जैसा कि हमने देखा कि ये जो कानून है लॉ अलाउ करता है कि एक नेशनल ट्रस्ट को सेटअप किया जाएगा। अब इस नेशनल ट्रस्ट क्या करेगा, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी चाइल्ड हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं इस ऑटिज्म से, अब देखिए उनको देखभाल करने के लिए उनके पेरेंट्स होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर सपोज अनफॉर्चुनेटली अगर ना हो ऐसा, अगर उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो फिर उनको देखने के लिए कोई नहीं है, इवन हमारे वो भारतीय सिटीजन हैं। तो हमने लॉ क्या कहता है कि एक नेशनल ट्रस्ट सेटअप किया जाएगा जो कि जो भी पर्सन, जो भी चाइल्ड इंडिपेंडेंटली सफ़र कर रहे हैं इस ऑटिज्म से, उसको प्रमोट की करेगी हमारी जो नेशनल ट्रस्ट है, ताकि अगर सपोज़ डेथ भी हो जाती है उनके पेरेंट्स की तो उनको क्या किया जाए, एक तरह से बहुत सारे फाइनेंशियल एड दिया जाए, मेडिकल एड दिया जाए, और इवन इस लॉ में ये बोला गया कि उनके लिए गार्जियन और ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे जो उनकी देखभाल कर सकें। अब देखभाल इसलिए कर सकें क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट हैं कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और कोई राज्य है वो स्पेशल फेवर कर सकता है किसी भी पर्सन के लिए। तो यहाँ पर नेशनल ट्रस्ट जो होगा वो उनके एक गार्जियन को भी सेटअप किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, वो हालांकि उसके रिलेशन में नहीं आते हैं बट एक गार्जियन सेटअप किया जाएगा जो कि उनका देखभाल करेगा, उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा कि फ्यूचर में वो उनका क्या हो सकता है, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले समाज में। आगे हम देखते हैं
एएसडी को डायगोनाइज आइडेंटिफाई करता है 68 पीपल, अबाउट 1 in 68 पीपल. अभी जैसे हमने देखा 59 पीपल, सेम वही है. तो उसके बेसिस पर आपको क्या याद रखना है, ओवर 18 मिलियन पीपल जो हैं ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं. तो ये बिल में आप ये याद रख लीजिएगा, नेशनल ट्रस्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन और ट्रस्टी इसमें सेटअप करने की बात की गई है. तो आप ये देखिए, अब ये बात आती है, बहुत सारे लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं बट एक डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इस टॉपिक को रखना कहाँ है. देखिए आप इस, अगर मैं बात करूं, अगर ये टॉपिक आता है कभी भी किस जगह, सबसे पहले हेल्थ के बेसिस पर रख सकते हैं. कभी भी हेल्थ वाला क्वेश्चन पूछा गया तो ये बिल के बारे में रख सकते हैं. उसके बाद कंट्री में भारत सरकार क्या कर रही है हमारे जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए, तो आप उसमें रख सकते हैं. तो कहीं भी GS1 में रख सकते हैं, GS2 में, इवन एथिक्स में भी रखा जा सकता है, जहां भी सरकार का रोल आता है. ओके, दूसरी न्यूज़ क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट. देखिए पूरा इकोनॉमिक का पार्ट भी हम करने वाले हैं, जैसे हमने पहले बात की थी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब चीज़ इसमें इंक्लूड होता है, हर न्यूज़ कवर होती है. करंट अफेयर की तरह आप इसे ले सकते हैं. तो न्यूज़ क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है 2.9% ऑफ GDP का, ठीक है. ये रिपोर्ट है सेकंड क्वार्टर 2018-19 की. अब देखिए सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन क्या आता है कि ये GDP क्या है और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है. तो ये दोनों सबसे पहले टर्म समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है. देखिए GDP का मतलब क्या होता है, अगर GDP की मैं बात करूं तो उसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाम ही से लग रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, घरेलू जो उत्पाद होता है, जो घरेलू उत्पादन होता है वो क्या है. GDP अगर कहने का मतलब क्या है कि सपोज एक ज्योग्राफिकल एरिया मान लीजिए जो कि हम भारत चुनते हैं, भारत के ज्योग्राफिकल एरिया ऊपर से जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक और ईस्ट और वेस्ट में देखने को मिलती है. ये एक स्पेसिफाइड पीरियड हम चुनेंगे जिसको मान लेते हैं एक साल. अब इस एक साल के दौरान अंतर्गत कितने भी जो गुड्स और सर्विसेज हम बना रहे हैं तो उनकी वैल्यू जितनी होगी उसी को हम GDP कहेंगे. जैसे बहुत सारे हमने गुड्स बनाए, जैसे गुड्स फर्नीचर बना दिए, बहुत सारी कार्स बना दी, तो ये तो एक एस्पेक्ट है. तो आप सोच लीजिए कि आपके घर में जितने भी आसपास अपने, देखिए गुड्स को एज्यूम करने के लिए जितने भी आसपास आप देखते हो तो वो सब गुड्स देखने को मिलता है. सर्विसेज की बात करूं, कोई लॉजिस्टिक सेक्टर सर्विसेज में आता है, आईटी सेक्टर अगर कोई जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो सर्विस सेक्टर में आता है. कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है उसको किसी को प्रोवाइड कर रही है, या जैसे सर्विस, कोई भी चीज़ सर्विस देना आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये गुड्स हैं. जो भी जितनी भी वैल्यू होती है वो पूरा कैलकुलेट किया जाएगा GDP में. तो होप GDP समझ में आ चुका होगा. उसके बाद हम देखेंगे कि ये GDP का, अभी मैं बात करूँ GDP का 1% भी जो GDP का है उससे भी कम हम हेल्थ सेक्टर में स्पेंड करते हैं. अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, 2.9% ऑफ GDP. डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकते हैं. अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है वो मैं बता दूँ. देखिए अब क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है, कोई भी देश जैसे इंडिया है वो क्या करता है, यहाँ से सामान दूसरी जगह भेजता है जिसे एक्सपोर्ट बोलते हैं, और बाहर दूसरे देशों से भी सामान वो लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट. अगर जो इम्पोर्ट वाले सामान हैं जो दूसरे देशों से लिए जा रहा है, अगर उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड टू एक्सपोर्ट जो हम भेजते हैं दूसरे देशों को, तो उसे क्या कहेंगे, करेंट अकाउंट डेफिशिएट कहेंगे. ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा. तो उसी की वैल्यू कितनी है, ये सब समझ में आ गया. तो कुछ न्यूमेरिकल डाटा, 2017 और 18 में जब हम देखते हैं जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 6.9 बिलियन था, अब वो बढ़ के कितना हो गया, 19.1 बिलियन. तो बहुत बड़ा डेफिसिट देखने को मिलता है. ये कंसर्न भी है एक तरह से कि हम इंपोर्ट ऐसी जो प्रोडक्ट कर रहे हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरह से हम पूरा ब्रॉडली देखें तो एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं. तो ये कंसर्न है, किसी कंट्री को डेवलपमेंट तभी होती है जब हम क्या करते हैं, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं. ठीक है, तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर से ये हमें समझ में आता है. अब हम एक और चीज़ है जो आपसे इकोनॉमी में पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में भी, मेंस में भी, वो डिस्कस कर लेते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है वो डिस्कस करने से पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अगर हम देखिए सेम कंट्री के बीच में कभी भी ट्रांसैक्शन होता है, जैसे
किसी इंडिविजुअल और सरकार के बीच में, बैंकिंग के बीच में, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, सरकार सब्सिडी देती है, इतनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। अगर उनके बारे में देखना है तो हम क्या देखते हैं, बजट देखते हैं। बजट तो डायरेक्टली मेंशन नहीं है हमारे संविधान में, उसी बजट को क्या बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कितनी है, तो किसी कंट्री के ही बीच में, कंट्री के बारे में जानना हो तो उसके बजट के बारे में हम देखते हैं। बट अगर एक जो इंडिविजुअल है, एक जो कंपनी है या एक गवर्नमेंट बॉडी है, दूसरे देश की कंपनी, इंडिविजुअल और इनके बीच में कभी ट्रांसफरेंस होता है, ट्रांसैक्शन होता है, तो उसके बारे में जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, किसको हम देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखेंगे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हर एक कंट्री, हर एक देश क्या होता है, हर देश की सेंट्रल जो सेंट्रल बैंक है वो मेंटेन करती है जनरली, ठीक है। अब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इनको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपकी यूपीएससी में, लोअर पीसीएस में और पीसीएस में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तक आई होप समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, मैंने कहा दो पॉइंट हैं, आप देखिए इसके नोट्स भी साथ में बनाते हुए चलिए, नहीं तो ये बिलीव मी कि ये आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और कल या परसों भूल जाएंगे। तो अभी से अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, यूपीएससी आईएएस बनना है, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो हैंड रिटन नोट्स बनाइए ताकि आप रिवाइज कर सकें। सबसे अच्छा अगर सक्सेस जल्दी पानी है तो ये करना पड़ेगा। पीडीएफ पेड ग्रुप के लिए है, पीडीएफ से भी अच्छा मैं आपको बोलूँगा, जैसे इससे पहले जिन लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं देखा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स भी देख सकते हैं, उसकी भी पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने चाहिए। तो अभी हमने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो डिस्कस कर लेता हूं मैं। सबसे पहले करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, करंट अकाउंट में क्या होता है, नेट इनकम हो गई, इंटरेस्ट और डिविडेंड हो गए, ये टर्म आपको याद करने हैं, उतना ज़्यादा डीप में मत जाना बट टर्म याद कर लेना। ट्रांसफ़र हो गया, अगर कोई फॉरेन एड देता है वो भी करंट अकाउंट में आता है, ये कैपिटल अकाउंट में भी फॉरेन एड ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि करंट अकाउंट में जनरली क्या होता है, फॉरेन ट्रांजैक्शन किया जाता है, नेट इनकम हो गया, इंटरेस्ट और डिविडेंड और एड। तो करंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, कंट्री की फॉरेन ट्रांजैक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, करंट अकाउंट। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, अभी मैं इसको समझाता भी हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम करंट अकाउंट की और ज़्यादा ब्रॉड आप जाने, तो जितना भी जो गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो रिकॉर्ड किस में किया जाता है, करंट अकाउंट में, ठीक है। बट अगर किसी की कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कोई फॉरेन एसेट है, ठीक है, जो कोई फॉरेन एसेट है, जैसे मेरी अगर सपोज कंपनी है या मैंने कोई घर खरीद लिया किसी दूसरे कंट्री में, तो वो पूरा सेल और उसकी परचेज किस में रजिस्टर की जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। ये आपके पास होगा तभी तो आप समझ पाएंगे ना, किसी इंडिविजुअल ने, किसी गवर्नमेंट बॉडी ने, या आप कह सकते हैं किसी कंपनी ने एक देश से दूसरे देश से कितना व्यापार किया, कितना ट्रांजैक्शन किया, तभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ पाओगे, ठीक है। फॉरेन एड, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब जैसे अभी हमने कहा आपको याद क्या रखना है, तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट समझ चुके होंगे। तो करंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन ट्रांजैक्शन को। वैसे ही कैपिटल अकाउंट जनरली क्या होता है, अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी के बेसिस पे देखें तो ये किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है। जैसे अभी हमने कहा दो पार्ट हैं, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट तो मैंने बता ही दिया कि एक इंटाइटी हो गई, एक गवर्नमेंट बॉडी हो गई या कोई कंपनी हो गई, ऑल ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन इंटाइटीज इन वन कंट्री विथ इंटाइटीज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी देश हैं बाकी उनके साथ जो ट्रांजैक्शन करता है उसे क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आप सबको पता ही है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एज वेल ट्रांसफर पेमेंट, फॉरन एड, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ मान के चलिए सऊदी अरेबिया, तो यहाँ मेरे क्या हैं, रिलेटिव हैं, मैं उनको पैसे भेजूंगा तो वो रेमिटेंस आएगा, ठीक है। मतलब वहाँ सऊदी अरेबिया में मैं पैसे कमा रहा हूँ, भेज कहाँ रहा हूँ, अपने देश भारत देश में, प्यारे भारत देश में, तो उसे रेमिटेंस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप ब्रॉडली समझ चुके होंगे कि एक देश की इंटाइटी फर्म या गवर्नमेंट बॉडी दूसरे देश की फर्म, गवर्नमेंट बॉडी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जितने भी देश हैं उनके साथ करता है ट्रांजेक्शन, तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, आप ये समझ चुके होंगे। तो ये पूरा करंट अकाउंट डेफिशिएट 2.9% है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाएगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट।
ये हैं, रेपो रेट अभी है 6.5% और रिवर्स रेपो रेट है 6.25%। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ठीक है, अब रेपो रेट के बारे में बता दूं, रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू बैंक। अब बहुत बार क्या होता है, जो हमारे दूसरे बैंक होते हैं, SBI हो गया, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, जो दूसरे बैंक होते हैं, जब उनको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कैसे करते हैं, जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी सेंट्रल बैंक है दूसरे बैंक को पैसे देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो वो अभी कितना है, 6.5%। कहने का मतलब ये RBI है और ये दूसरे बैंक को अगर सपोज पैसा दे रही है तो कितने परसेंट पर देगी, 6.5% के इंटरेस्ट रेट पर देगी। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट भी समझा देता हूँ। बट अब क्या होता है, अब देखिए सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम जाहिर सी बात है ये कहेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की क्या ज़रूरत, क्योंकि वही प्रिंट करती है अगर हम बात करें। तो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, द रेट एट विच द RBI बोरो मनी फ्रॉम बैंक। अब RBI को सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि हाँ ये RBI से हम बोरो क्यों करते हैं, RBI क्यों बोरो करती है, मतलब दूसरे बैंक से। तो देखिए बहुत सारे RBI, अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में अभी हम बात करते हैं, तो उससे पहले छोटे से बारे में बात कर लें कि RBI जब दूसरे बैंक से बोरो करती है मनी तो उसका रेट कितना है, 6.25%। तो ये याद रखना पड़ेगा, RBI जब दूसरे बैंक को देती है कितने इंटरेस्ट रेट पर देती है, 6.5% पर, और RBI जब बोरो करती है किसी से 6.25%। ठीक है, और हमेशा याद रखना जब भी RBI बोरो करेगी तो वो हमेशा कम इंटरेस्ट रेट होता है एज़ कम्पेयर टू जब RBI किसी को देती है, मतलब किसी बैंक को देती है। अब RBI क्यों बोरो करती है ये मैं समझाता हूँ। उससे पहले, समझाने से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि RBI को क्यों ज़रूरत पड़ती है पैसे बोरो करने की। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट बाई मंथली रिलीज करती है। ठीक है, और हर एक मीटिंग के बाद क्या इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्या रेट रखने चाहिए इंटरेस्ट रेट, वो बताती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह से इज द प्रोसेस बाय विच मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री, टिपिकली द सेंट्रल बैंक और करेंसी बोर्ड, कंट्रोल आइदर द कॉस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जनरली मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक। तो कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, कितनी महंगाई होनी चाहिए, कितना किसी बैंक में अगर आप लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट कितना रखना चाहिए, और प्राइस स्टेबिलिटी हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है प्राइस में, अगर टॉप की मेरे में बात करूँ, टोमेटो, पोटैटो, ओनियन और बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, तो इन सब को स्टेबल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हमारी भारत सरकार एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। ठीक है, तो पूरा समझ में आ चुका होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, प्राइस स्टेबिलिटी हो, इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी इसको कंट्रोल करता है या जो प्रोसेस कहलाती है वो प्रोसेस कौन सी है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी को कौन चलाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब क्या है, जितने भी इंटरेस्ट रेट होते हैं कि कितने इंटरेस्ट में लोन देना चाहिए, तो ये कौन बताता है, कौन फिक्स करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये क्यों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, देखिए बहुत बार क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, महंगाई ऊपर जाती है, महंगाई नीचे जाती है, उसके लिए आपको डिमांड एंड सप्लाई की बात करनी पड़ेगी। देखिए अब क्या है, सपोज मैं पूरा अच्छी तरह डिस्कस समझाते हुए चलता हूँ, अच्छे से वीडियो देखिए ताकि आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो अब देखिए डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करता हूँ। अब सपोज मान लीजिए कि सपोज इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई और आलू की खेती, जो लोग आलू था वो उतना ज़्यादा जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आलू उतना नहीं, पोटैटो उतना नहीं हुआ, तो अब क्या है, आलू की सप्लाई, सिंपल सी बात है, कम प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी। बट अब क्या होते हैं, बहुत सारे लोग सपोज आलू की डिमांड करते हैं, सपोज ये हुए देखिए नंबर के बेसिस पे, ठीक है, अब सप्लाई कम है आलू की, बट आलू के लिए डिमांड क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आलू के प्राइस क्या होंगे, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, कभी कभी मॉनसून अच्छी बारिश हो जाती है, कोई दूसरी फसल ले लीजिए जिसकी उतनी डिमांड नहीं है, ठीक है,
तो सपोज एक एक्स फसल है, बहुत ज़्यादा उसकी क्या हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है और बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाती है मार्केट में, बट उसको खरीदने वाले बहुत कम हैं, तो अचानक से तो जो विक्रेता होंगे उसका मूल्य क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो अभी की करेंट प्राइस क्या है, 2021 मार्च 31 2021 की बात करूँ तो 2% से लेके 6% के बीच में हमें कंट्रोल करना है। कौन कंट्रोल करेगी? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल। तो अब इसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, बहुत सारे टूल का यूज़ करती है, बहुत सारे टूल का क्या करती है, यूज़ करती है। उसमें से एक टूल यही है, रिवर्स रिपो रेट। तभी आपको समझ में आ चुका होगा कि अब आरबीआई क्या करेगी, बैंकों से क्या ले लेगी, पैसा ले लेगी। अब पैसे भी, अब बहुत सारे परचेजिंग पावर होती है, तो एक तरह से अभी ये मान के चलिए कि आरबीआई क्या करती है, एक रिवर्स रिपो रेट टूल होता है एक तरह से टूल, कि बैंक लोगों के हाथ में पैसा कम आए या लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आए, उससे भी क्या होती है, महंगाई और जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है वो कंट्रोल करना होता है। तो आरबीआई को क्यों ज़रूरत पड़ती है बैंक से वापस लेने की पैसे, ताकि जो मार्केट है, इंडिविजुअल लोगों के पास जो है इंटरेस्ट रेट कम आए, जो बैंक दे रहे हैं एक तरह से टूल मान के चलिए, जिसमें कि कम से कम क्या हो, हमारा इन्फ्लेशन हो, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, तो आरबीआई उसका यूज़ करती है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम मॉनेटरी जो एमपीसी कमेटी होती है उसको 4 बार मिलना पड़ता है, एक पब्लिश करता है जब भी डिसीजन। तो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी ये 2017 में पूछा गया था पूरा यूपीएससी में। तो इसके 6 मेंबर होते हैं, 3 ऑफिशियल होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और 3 मेंबर होते हैं भारत सरकार के, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अपॉइंट करती है। अब दे नीड टू ऑब्जर्व, एक देखिए साइलेंट पीरियड के बारे में भी बता दूं। अब क्या होता है, बहुत बार एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलती है तो 7 दिन पहले और बहुत मीटिंग के कुछ दिन तक क्या है, उनको अपना डिसीजन बताना नहीं पड़ता, तो उसको दे नीड टू ऑब्जर्व ए साइलेंट पीरियड भी, उस पर्टिकुलर जो गैप है उसको बोला जाता है, जहां उनको कॉन्फिडेंशियल उसको रखना पड़ता है, ठीक है, जो डिसीजन लिया जाता है, तो उसे साइलेंट पीरियड ये कोई एक टर्म बोला जाता है, ठीक है। अब एमपीसी का जो है चेयरमैन कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, जो कि एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं, मतलब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तो हैं, तो ऑटोमेटिक जो है चेयरमैन भी बन जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए ये आता है। अब ये कब क्रिएट की गई थी, 2016 में, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट रहे, अकाउंटेबल रहे, ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जितनी भी मीटिंग होती है हर एक मीटिंग के बाद अपना अपना पब्लिश करा करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हर मीटिंग के बाद जो भी डिसीजन लेते हैं पब्लिश करते हैं। सपोज अभी हमने कहा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन्फ्लेशन को देखती है कि टारगेट 2% से लेके 6% के बीच में रहना चाहिए, बट अगर ये नहीं कर पाती है एमपीसी, तो उसको किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, भारत सरकार के लिए, ठीक है, उसको किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, भारत सरकार के लिए। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पूरा। ओके, पार्लियामेंट पढ़ने के बाद और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने के बाद, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, तीसरा पार्ट है हमारा फाइनेंस का। ऐसे ही हम हेल्थ के पार्ट में जाएंगे और बहुत सारे इंडस्ट्री पावर, कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है, कौन सा डैम के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है, सरोगेसी बिल क्या है, ये सब हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा पार्ट है, देखिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जिससे कि एग्जामिन किया जाएगा आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कैसा है। देखिए आरबीआई इस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में देखा जाएगा कि ग्लोबली बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहां खुद की सेंट्रल बैंक होती हैं, जैसे इंडिया की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे बहुत सारे देशों में सेंट्रल बैंक होती है जो मॉनेटरी पॉलिसी देखती है किसी भी देश की। अब वहाँ कौन कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, इंटरेस्ट किस रेट पे दिया जा रहा है, क्या रेपो रेट रखना चाहिए, ये सब देखने को मिलता है, वहाँ से ली जाती हैं चीज़ें, वहाँ से एनालाइज करके कि कहाँ सक्सेसफुल रही, कुछ जो स्टोरीज़ हैं, कुछ जो जो स्टेप्स लिए गए दूसरे सेंट्रल बैंक द्वारा, वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाएँ अपने भारत देश में। जीएसटी भी बहुत सारा एनालाइज करके इंप्लीमेंट किया गया कि कैसे इम्पैक्ट रहेंगे, वो तो अभी हमें सक्सेसिव ईयर्स में देखने को मिलेगा।
तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। ये हमारे क्वेश्चन के लिए जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई, उसके चेयरमैन कौन है। यूपीएससी में हालांकि ये पूरा एक इससे क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जा सकता, बट इसमें एक यूपीएससी में एक लाइन आ सकती है कि इसके डॉक्टर जो है बिमल जालन की चेयरमैनशिप में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, इसके बेसिस पे एक आ सकता है। यूपी पीसीएस में और बहुत सारी उड़ीसा बिहार में ये डायरेक्ट वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाल में ही एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई जो कि रिव्यू करेगी जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है, कि देश भर में जो सेंट्रल बैंक हैं वो किस तरह से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चला रही हैं और उसके साथ कौन कौन से अच्छे प्रोविज़न ले सकते हैं। एग्जांपल अगर मैं उदाहरण की बात करूं, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये ऐसे एग्जांपल हैं जो कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, देखिए बहुत सारे लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ लोन ले चुके हैं और देश से भाग चुके हैं, उनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा करते हैं। तो उसके लिए दूसरी जो देश है, दूसरी सरकारें हैं, वो क्या कर रही हैं, तो ये पूरा कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आप कह सकते हैं सेंट्रल बैंक, ने एक कमेटी बैठाई जिसे एक्सपर्ट कमेटी, जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर बिमल जालन। अब कभी कभी पूछा जाता है, यूपीएससी में पूरा एक क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है कि हाँ इसके चेयरपर्सन कौन है, बिमल जालन। फिर उसके बाद यूपीएससी में दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ आरबीआई से होंगे, सिर्फ गवर्नमेंट से होंगे, क्या होंगे, तो हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसमें से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे इस एक्सपर्ट कमेटी में। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ चुका होगा। ये बताने का यही है कि आपका प्रीलिम्स में कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो डायरेक्ट आपके माइंड में स्टक करें, और हो सकते हो आप अपना ये, क्योंकि जो ये है पूरा हम एयरली बनाने वाले हैं तो हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे रहेंगे। आगे पार्लियामेंट हमने कर लिया, उसके बाद हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक के बेसिस पर फाइनेंस कर लिया। चौथा टॉपिक है एक्सटर्नल अफेयर। एक्सटर्नल अफेयर में एक देश, भारत देश, किसी दूसरे देश के साथ क्या करता है, कहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, कौन से दूसरे देश के प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में विजिट करते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। बाकी एक्सटर्नल अफेयर में क्या क्या आता है, बहुत सारी दूसरी पॉलिसी क्या हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया क्या, दूसरे देश के साथ हमने कौन कौन से जो है MOU साइन किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कौन से डॉक्यूमेंट साइन में किया, किस देश को हमने कितना लोन दिया, किस देश से हमने कितना लोन लिया, ये सब हम एक्सटर्नल अफेयर में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर अगर 2018 की मंथली रिव्यू में, तो प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स विजिट करते हैं भारत में। क्यों जरूरी है मालदीव, देखिए आपको इतना ये जरूरी याद नहीं रखना कि इनके बीच में सिग्नेचर के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले उन्होंने कल्चरल कोऑपरेशन में हुई, देखिए इंडिया अगर मालदीव्स के बारे में बात करूँ, इंडिया और मालदीव्स के बारे में, तो सबसे पहले साइन हुआ कल्चरल कोऑपरेशन होना चाहिए। देखिए सांस्कृतिक अगर भारत में देखें, कल्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, बहुत अच्छा कल्चर है, तो एक दूसरे से अगर ये कल्चरल कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे को क्या होता है, भारत देश में मालदीव के सिनेमा को प्रमोट किया जाएगा, भारत में मालदीव से में इंडिया के सिनेमा को लिया जाएगा, कोई ऐसी मूवी ले जाई जाएंगी जो कि उनके कल्चर पर बेस्ड हो, इससे क्या होता है दोनों देशों में कोऑपरेशन बढ़ेगा। चाहे वो कल्चरल कोऑपरेशन कर रहे हैं बट दोनों देशों के बीच में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा। अब इस कोऑपरेशन से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे जो हैं मालदीवियंस इंडिया में आके काम करते हैं, वैसे ही बहुत सारे इंडियंस भी होते हैं जो मालदीव से में जाके काम करते हैं। अब मालदीव से में जाके काम करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा, सिंपल सी बात है, इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था रेमिटेंस, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बढ़ेगा, कहने का मतलब वो रेमिटेंस से भेजेंगे, हम काम कर रहे हैं मालदीव से में तो ये भी उससे बढ़ेगा। उसके बाद इम्प्रूविंग द इकोसिस्टम फॉर एग्री बिजनेस, दूसरा साइन किया गया जो एग्री बिजनेस है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो गई, चाहे कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना है, चाहे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है कोई एग्री बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं उसको, तो इसमें इम्प्रूव किया गया। तीसरा है कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब बहुत सारे देखिए देश यह होते हैं इन्फॉर्मेशन आईटी जो टेक्नोलॉजी हैं शेयर करते हैं, अब जैसे अमेरिका से हम बहुत बार अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी चल चुका है भारत में
तो आईटी में आप क्या कह सकते हैं कि बहुत सारे जो मालदीवियंस डॉक्टर हैं बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो हम क्या करेंगे यहाँ के डॉक्टर में मॉनिटर कर देंगे स्क्रीन में, और यहाँ कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा और वो कौन बताएगा, मालदीवियंस में जो बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे जो इंडिया नहीं आ पाएंगे, तो जनरली बहुत बार डॉक्टर नहीं आ पाते, तो अमेरिका इंडिया बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से हम हेल्प लेते हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, कम्युनिकेशन की हेल्प से, मतलब एक जगह वहाँ का डॉक्टर हमारे यहाँ के डॉक्टर को बताएगा, मॉनिटर करके यहाँ ट्रीटमेंट होगा। ये तो हेल्थ सेक्टर के बेसिस पर हो गया, ऐसे एजुकेशन के सेक्टर में भी होता है। हम दूसरी यूनिवर्सिटी से, भारत में जो यूनिवर्सिटी है वो दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है और लोगों को पढ़ाने की कोशिश करती है डिजिटली, अगर मैं बात करूँ तो। मालदीव से ये तो था कुछ कल्चरल चीज़ें जो आप मेंस में लिख सकते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ये आप कहाँ फिट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन आईआर के टॉपिक में मेंस में। अब मालदीव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन हमको देखनी पड़ेगी। उसके बाद मालदीव के साथ इंडिया के कौन कौन से रिसेंट प्रोजेक्ट हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बताना। आगे हमारे प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, वो विजिट करते हैं म्यांमार में। अब क्यों इंपॉर्टेंट है म्यांमार का, हमें देखना पड़ेगा बॉर्डर कितना शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट हैं। प्रीलिम्स में आपके लिए कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि हमारे म्यांमार के साथ इंडिया के कितने बॉर्डर शेयर होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, और उनके नाम भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ आपके लिए क्वेश्चन तो आपको बता दिया। उसके बाद हमने विजिट करते हैं तो वहाँ क्या क्या चीज़ें की गई, ट्रेनिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स सबसे पहली बात ये, दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग में बात की गई कि वहाँ के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं यहाँ आके ट्रेनिंग करेंगे, यहाँ हमारे यहाँ वहाँ जाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, एक तरह से कॉपरेशन बढ़ेगा और यहाँ की एक्सपर्टीज़ और वहाँ की एक्सपर्टीज़ दोनों मिलकर इंडिविजुअल का एक ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, रिसोर्स में डेवलपमेंट होगा। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करी, बहुत सारी टेक्निक शेयर करने की यहाँ पर बात की गई। अब म्यांमार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ये तो आपके मेन्स के लिए है, और म्यांमार इतना ज़्यादा हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे म्यांमार के रिसेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं। भारत की अगर मैं बात करूँ, म्यांमार के साथ बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। उन प्रोजेक्ट में सबसे पहले बात करता हूं कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। तो अब ये देखिए कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट क्या है। अब एक बात मान के चलिए, हमारी अगर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जैसे आसाम है, मिजोरम है, मणिपुर है, तो वहां पर जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक क्या है, चिकन नेक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं मैप यहां पर बना लूं, अब हमारे पास यहाँ से जाने के लिए बहुत कम रास्ता होता है, बहुत संकरा रास्ता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रक भी नहीं जा सकते, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट सपोज मान के चलते हैं, अनफॉर्चुनेटली चाइना का भी एग्रेशन दिखाता है और हमारे चिकन जो कॉरिडोर है नेक को ब्लॉक कर देता है सपोज वाले रास्ते को, तो हमारा सिंपल सी बात है जो हमारे स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनसे हम कट हो जाएंगे उनसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हमारा फायदा है, एक तरह से हमारा इंडिया का पार्ट कट हो जाएगा, तो इसी के लिए हमारा अल्टरनेट रास्ता देखना पड़ेगा। तो उसी अल्टरनेट पास रास्ते के लिए हमारे पास म्यांमार के साथ हम क्या चला रहे हैं, कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है, हमारा कोलकाता में एक पोर्ट है, वहाँ से क्या होंगे, सी के जरिए जाएंगे यहाँ पर, और देखिए कलादन क्या है, एक नदी है, ठीक है, नदी है, फिर यहाँ पर लाइन है, तो ये हमारे देखिए आपको दिख रहा होगा मैप में डायरेक्ट कोलकाता से आप किसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, मिजोरम को। अब क्या होगा, हमारे पास एक अल्टरनेट रास्ता है, हमें सपोज आर्मी भेजनी है, कुछ रिसोर्सेज भेजने हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा ये है, एक तो आर्मी के बेसिस पे, दूसरा ये रहता है कि इस चिकन कॉरिडोर से हमारे जो बड़े बड़े हैवी आइटम्स होते हैं वो नहीं जा पाते हैं टाइम पे, और उतना ज़्यादा इतना पतला रास्ता है, इतना संकरा रास्ता है कि जो बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं ट्रॉलीज होती हैं वो नहीं जा पाती हैं, तो हमारे पास अल्टरनेट है कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट, तो म्यांमार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कम से कम जो 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस है वो कम करता है ये वाला प्रोजेक्ट, अगर हम म्यांमार के साथ सक्सेसफुल इसको कर लेते हैं। उसके बाद 3 से 4 दिन का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी रिड्यूस होता है इस वजह से, तो हमारी आर्मी जा सकती है, बहुत सारे रिसोर्सेज जा सकते हैं, कलादन एक नदी है, तो कलादन क्या है, एक नदी है, ठीक है। और मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट क्यों कहा गया, सी रूट है, सी से भी जाएंगे, हमारा क्या होगा, रिवर भी है, लाइन भी है, रोड भी है, तो ये किसको कनेक्ट करेंगे, मिजोरम को। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट क्या है। तो ये आज का डिस्कशन रहा, आगे हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 2
जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री के बारे में, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मार्केट प्लेस क्या है अमेजन के बारे में। आगे मैं बता दूं ताकि आप पढ़ लें उस चीज़ को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, पावर की सेक्टर के बारे में बात करेंगे। आगे अटल ज्योति योजना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं करंट पढ़ते हैं, बट पीआरएस में बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि भारत सरकार से जुड़ी हुई हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हो सके तो ये पूरी जो हमने डिस्कशन कराया, हैंड रिटन नोट्स अगर आप बनाएं अभी इस बेसिस पर, अगर सपोज नहीं बनाएं तो आप दोबारा इसको बना सकते हैं। अब जो फर्दर जो वीडियोस अपलोड होंगी तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप उसके हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ज़्यादा फोकस हैंड रिटन नोट्स में। तो धन्यवाद, आगे हम करने वाले हैं, आगे इस मंथ का जो सेकंड पार्ट है हम जल्दी ही रिलीज़ करेंगे। धन्यवाद।